वेलकम बैक माय वॉरियर्स। हम लोग बात कर रहे हैं मैग्नेटिज्म पे और ये हमारा लेक्चर है मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म पे। इसमें हम लोग कुछ बहुत ही इंटरेस्टिंग बातें डिस्कस करेंगे, तो आइए शुरुआत करते हैं पहले कॉन्सेप्ट की। देखिए बात ऐसी है, हमें मालूम है कि अगर एक चार्ज रेस्ट पे है तो वो क्या जनरेट करता है, वो जनरेट करता है इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर एक चार्ज मूव कर रहा है कॉन्स्टेंट वेलोसिटी से तो वो जनरेट करता है मैग्नेटिक फील्ड अलॉन्ग विद द इलेक्ट्रिक फील्ड। अब अगर एक चार्ज ठीक है मूव करते करते किसी दूसरी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में पहुंच जाए तो क्या होगा, ये समझते हैं। लेट्स से कि ये आपके पास एक चार्ज पार्टिकल है, ठीक है, ये चार्ज पार्टिकल है, दूसरे कलर से बना देते हैं। इसका चार्ज है q और ये मूव कर रहा है कुछ v वेलोसिटी से, ठीक है। और ये मूव करते करते हो सकता है कि आपने अचानक से ये मूव करना स्टार्ट हुआ और आपने मैग्नेटिक फील्ड लगा दी, ठीक है, कुछ b मैग्नेटिक फील्ड अगर आपने लगाई तो क्या होगा, तो कुछ ऐसा होगा कि इस चार्ज के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रही है, अगर एक चार्ज मूव कर रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगी ना, बिल्कुल होगी। और जो आपने एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई की है इन दोनों के बीच में होगा इंटरेक्शन, जिसके कारण इस पर लगेगा एक फोर्स। क्या लगेगा? फोर्स लगेगा, ठीक है। अब वो कहां लगेगा, कैसा होगा, कितना होगा, आई थिंक आपको यह फॉर्मूला तो पता ही है, एफ इक्वल्स टू क्यू वी क्रॉस बी। तो आइए इसकी थोड़ी डिटेल में चर्चा करते हैं। ये क्या है, F equals to Q V cross B क्या है, ये मैग्नेटिक फोर्स है। किस पे लग रहा है, ये उस चार्ज पे लग रहा है जो कि B मैग्नेटिक फील्ड में V वेलोसिटी से चल रहा है। और ये क्रॉस प्रोडक्ट यहां पे क्यों है सर, इसलिए है क्योंकि यहां बात चल रही है इन दोनों के बीच के, ये क्रॉस प्रोडक्ट V और B के बीच का है, तो एंगल किस किस के बीच में होगा, V एंड B। इस सिचुएशन को देखिए, जरा देखिए आप, ठीक है, वेलोसिटी की डायरेक्शन क्या है, टुवर्ड्स x एक्सिस। लेट से कि i कैप के अलोंग वेलोसिटी है, दिस इज x, यहां पे वेलोसिटी है, बड़ी अच्छी बात है। सर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या बनाई आपने, मैंने क्रॉस बनाया, क्रॉस का मतलब क्या है, क्रॉस का मतलब है इनसाइड द प्लेन। तो सर अगर हम लोग v क्रॉस b करें, x के अलोंग क्या है, x के अलोंग वेलोसिटी है, ठीक है, ये किसके अलोंग है, z के अलोंग बोल सकते हैं, अंदर जा रही है, ठीक है। तो पार्टिकल यहां जा रहा है, मैग्नेटिक फील्ड अंदर है, फोर्स कहां लगेगा, v, v की डायरेक्शन में फिंगर्स खोलिए, सिंपल रूल, राइट हैंड रूल, ये V क्रॉस B कहां आ रहा है, थंब यहां करके बताइए सर, ठीक है, यहां करके देख लेते हैं, कीजिए V क्रॉस B, ये डायरेक्शन आ रही है फोर्स की, मतलब जो पार्टिकल है उस पर फोर्स लगेगा, यहां इस डायरेक्शन में लगेगा फोर्स। अच्छा, तो जो फोर्स है Q V क्रॉस B, इस केस में तो एंगल 90 डिग्री आ गया, V और B के बीच का एंगल 90 डिग्री आ गया, मतलब जो फोर्स का फॉर्मूला है क्यू वी बी, ये फोर्स की डायरेक्शनलिटी क्या है सर, इसकी डायरेक्शनलिटी क्या है, इसकी डायरेक्शनलिटी है परपेंडिकुलर टू बोथ वी एंड बी, क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट इन्वॉल्व है, हाँ या ना बोलना पड़ेगा सबको, क्लियर है ये बात, ठीक है। फिर से रिपीट कर रहा हूं मैं, वी, वी की डायरेक्शन में फिंगर्स को खोलिए, बी की डायरेक्शन में बंद कीजिए, ये आ गया, ये थंब किसकी डायरेक्शन दे रहा है, फोर्स की डायरेक्शन। तो आपने फोर्स लिख दिया कितना, आपने फोर्स लिख दिया क्यू वी बी और उसकी डायरेक्शन यहां है। अच्छा, तो सर अगले ही इंस्टेंट पे पार्टिकल कहां जाएगा, आइए समझते हैं कि अगले ही इंस्टेंट पे पार्टिकल कहां जाएगा। देखिए जरा पार्टिकल नेक्स्ट मोमेंट पे किधर निकलेगा। लेट्स से ये रहा पार्टिकल आपका q चार्ज, v वेलोसिटी से जा रहा है, मैग्नेटिक फील्ड अंदर है, थ्रू आउट है, पूरा बना नहीं रहा हूं मैं, लेकिन पूरे ये पूरे बोर्ड में मैग्नेटिक फील्ड है, ऐसा मान लो पूरे बोर्ड में, पूरे व्हाइट बोर्ड में यहां से लेके यहां तक मैग्नेटिक फील्ड है, मतलब आपने इसको मैग्नेटिक फील्ड में ही ट्रिगर किया। ओके, तो सर एट द मोमेंट इस पे फोर्स की डायरेक्शन तो यहां आ गई, बिल्कुल आ गई, तो पार्टिकल अगले ही क्षण, अगले ही इंस्टेंट, अगले ही मोमेंट कहां जाना चाहेगा, इनके बीच में कुछ ऐसा निकलना चाहेगा। अरे बिल्कुल सही बात है, तो पार्टिकल थोड़ा सा टिल्ट हो जाएगा, तो अगले ही मोमेंट पे वेलोसिटी की डायरेक्शन कहां जाएगी बेटा, अगले ही इंस्टेंट पे वेलोसिटी की डायरेक्शन कुछ यहां आ जाएगी। तो सर अब कहां लगेगा फोर्स, अब वी क्रॉस बी, देखो ना वी, वी कहां जा रहा है, इधर, क्रॉस बी, ये कहां लग रहा है, अब इस तरफ लगेगा, मतलब कि फोर्स की जो डायरेक्शन है वो कुछ ऐसे, और पार्टिकल आगे बढ़ता जाएगा, फोर्स ऐसे, मतलब कुछ ऐसा कि पार्टिकल जो है आपका ये कंप्लीट कर लेगा, क्या बेटा ये क्या कंप्लीट कर लेगा, ये कंप्लीट कर लेगा एक सर्कल, क्योंकि हर इंस्टेंट पे जो फोर्स है दैट इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर। फोर्स और वेलोसिटी जो है वो आपस में क्या है, कैसी है, परपेंडिकुलर है, बिल्कुल सही बात। ये रही डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी और ये रही डायरेक्शन ऑफ फोर्स, ये रही डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, ये रही डायरेक्शन ऑफ फोर्स। चलिए सर एक बात तो समझ में आई, एक बात तो समझ में आई,
कि अगर फोर्स वेलोसिटी परपेंडिकुलर डायरेक्शन में है तो वी क्रॉस बी, वी क्रॉस बी, वी क्रॉस बी, वी क्रॉस बी करके पार्टिकल जो है गोल घूम जाएगा। बड़ी अच्छी बात है, प्रोवाइडेड कि हर जगह मैग्नेटिक फील्ड हो। ये जहां पे नहीं भी बनाई है वहां पे भी मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है। तो सर इसके लिए रिजल्ट्स निकाल के बताइए। सिंपल बात है, निकाल लेते हैं, इसको रब करके एक छोटा सा डायग्राम बना लेते हैं, ठीक है। ये क्यों बनाया था? ये इसलिए बनाया था ताकि आपको इंस्टेंटेनियस हर मोमेंट पे फील आए कि कहां जा रहा है पार्टिकल, क्या कर रहा है, एक सेकेंड के बाद क्या हुआ, फिर क्या हुआ, कैसे गोल घूम गया, क्यों गोल घूम गया, वो सारी बातें, ठीक है, आपको फील आया इसलिए बना दिया था। एक बार फिर से बना देते हैं, ये पार्टिकल गोल घूम रहा है, हर इंस्टेंट पे वेलोसिटी और फोर्स जो है वो आपस में परपेंडिकुलर हैं, ठीक है। और मैग्नेटिक फील्ड कहां है बेटा? इस केस में मैग्नेटिक फील्ड कहां है? ये 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 रही मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। तो मुझे एक बात बताइए, क्या पार्टिकल सर्कुलर मोशन में घूम रहा है? क्या पार्टिकल सर्कुलर मोशन में घूम रहा है? यस सर, बिल्कुल घूम रहा है। ओके, तो जो पार्टिकल सर्कल में घूमता है किस फोर्स के कारण घूमता है ये बताइए। विच इज द फोर्स रिक्वायर्ड फॉर सर्क्यूलर मोशन, बताइए। सेंट्रीपिटल फोर्स, और वो कौन प्रोवाइड करवा रहा है? सर इस केस में तो जो सेंट्रीपिटल फोर्स है वो मैग्नेटिक फोर्स ही प्रोवाइड करवा रहा है। चलो बड़ी अच्छी बात है, लिख दिया हम लोगों ने। अब क्या भैया, सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला बोलिए, एम वी स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर। किसने प्रोवाइड करवाया? सर ये तो मैग्नेटिक फोर्स ने प्रोवाइड करवाया। इसका फॉर्मूला क्या होता है? क्यू वी बी साइन थीटा, क्यू वी क्रॉस बी। एंगल कितना? वी और बी के बीच का, वी और बी के बीच का एंगल कितना? वी, और ये लाल वाला बी, कितना एंगल? 90 डिग्री। ओके, बड़ी अच्छी बात है। तो क्या लिख दें सर इसको? क्यू वी बी लिख दो ना। चलो ठीक है, बड़ी अच्छी बात है, लिख दिया सर। अब क्या करें? वी को कैंसिल आउट कर दो। तो क्या मिल गया सर? रेडियस का फॉर्मूला मिल गया, डब्बे में डाल दो। कितना मिल गया बोलो? रेडियस का फॉर्मूला मिल गया, आर इक्वल टू एम वी डिवाइडेड बाय क्यू बी। ओके, बड़ी अच्छी बात है, आर इक्वल टू एम वी बाय क्यू बी, बड़ा अच्छा फॉर्मूला मिल गया, बड़ा मजा आया। ठीक है सर, रेडियस का फॉर्मूला तो आपने निकाल लिया। अब आप हमको ये बताइए कि जो पार्टिकल घूम रहा है इसको समय कितना लग रहा है, मतलब इसका टाइम पीरियड कितना है? निकाल लेते हैं, एक एक करके सारी चर्चा कर लेते हैं। ये जो पार्टिकल घूम रहा है, यहां से शुरू हुआ पार्टिकल, ठीक है। शुरुआत से बता रहा हूं कहानी में, अभी तक हमने क्या क्या देखा। एक चार्ज, कितना चार्ज? क्यू चार्ज। कितनी वेलोसिटी से चल रहा था? वी वेलोसिटी से चल रहा था। और ये चल ही रहा था कि अचानक से आपने मैग्नेटिक फील्ड ऑन कर दी। होगा आपके पास कोई सोर्स मैग्नेटिक फील्ड का, आपने मैग्नेटिक फील्ड इस पे ऑन कर दी अंदर की तरफ। तो क्या हुआ? पार्टिकल पे लगा फोर्स। कौन सा फोर्स? मैग्नेटिक फोर्स। कहां लगा? यहां लगना स्टार्ट हुआ। उसकी वजह से क्या हुआ? पार्टिकल की डायरेक्शन चेंज हुई। तो हर समय पे फोर्स वेलोसिटी के परपेंडिकुलर था, पार्टिकल गोल घूम गया। तो हमने रेडियस निकाल लिया। कैसे निकाल लिया? फोर्सेस इक्वेट करके। कि सेंट्रीपिटल फोर्स किसने प्रोवाइड करवाया? मैग्नेटिक फोर्स ने। चलो बड़ी अच्छी बात है। अगली बात, टाइम पीरियड क्या होता है? व्हाट इज टाइम पीरियड? टाइम इज द टोटल टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट दिस सर्कल। दैट मींस कितना है सर्कल? 2πr। कितना सर्कल है बेटा? 2πr डिवाइडेड बाय किस किस वेलोसिटी से चल रहा है? ये v वेलोसिटी से चल रहा है, बड़ी अच्छी बात है, ठीक है। सो 2πr डिवाइडेड बाय v। ओके, वैल्यू रख दें r की, उठा के रख देते हैं 2πr। r की वैल्यू mv, mv डिवाइडेड बाय क्यू बी, और डिवाइड में क्या है? एक वी है, तो वी तो कैंसल आउट हो गया। बड़ी अच्छी बात है, बड़ा मजा आया। टी इक्वल टू 2πm बाय क्यू बी, ये टाइम पीरियड का फॉर्मूला। आपने एक बात नोटिस की कि जो टाइम पीरियड है, मतलब जितने समय में पार्टिकल घूम रहा है सर्कल में, वो रेडियस पे डिपेंड ही नहीं कर रहा है। देखो ना, इंटरेस्टिंग रिजल्ट है ये। इसलिए तो डब्बे में डाला है, स्टार भी बना देते हैं इस पर, ये लो बना दिया। अच्छा सर, कि जो है पार्टिकल कितने समय में चक्कर लगाएगा वो डिपेंड करेगा चार्ज पे, मैग्नेटिक फील्ड पे, और किस पे? और उसके मास पे, पार्टिकल के रेडियस पे डिपेंड नहीं करेगा। चलो ठीक है, और रिजल्ट क्या बता सकते हो सर आप यहां से? और देखो बेटा, अपन ऐसा लिख सकते हैं कि जो ओमेगा है, ओमेगा कितना होता है? वो 2πb होता है ना। लिख दीजिए 2πb डिवाइडेड बाय टी। टी की वैल्यू उठा के रखिए, देखते हैं क्या आता है। 2πb डिवाइडेड बाय, 2πb डिवाइडेड बाय कितना है? टाइम कितना है? 2πr बाय, ये इधर ये उठा के रख दो, 2πm बाय qb। 2πr 2πr मर गए, कितना आ रहा है ओमेगा? कितना आ रहा है? qb बाय m। तो ओमेगा के बारे में भी आप सेम बात बोल सकते हैं, ठीक है। ऑब्वियस सी बात है कि टाइम पीरियड डिपेंड नहीं कर रहा है आर पे, तो ओमेगा भी डिपेंड नहीं कर रहा है, ठीक है। ये रिजल्ट्स इंपॉर्टेंट है, चर्चा इंपॉर्टेंट है। और इस चर्चा के बारे में दो काम की बातें और मैं बता रहा हूं। देखिए, पहली बात कि आपने कहा, आपने क्या कहा
कि जो वेलोसिटी है और जो फोर्स है वो आपस में 90 डिग्री पे है, बिल्कुल है, पार्टिकल सर्कुलर मोशन कर रहा है ना, बिल्कुल कर रहा है। तो मतलब पूरी कहानी में कोई वर्क इन्वॉल्व नहीं है, कोई वर्क डन नहीं है, मतलब पावर का खर्चा जीरो, फोर्स परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी, दैट मींस वर्क डन ऑन द सिस्टम इज जीरो। अगली बात कि ये जो आपका फोर्स है ना, दिस फोर्स कोई वर्क नहीं कर सकता, मतलब ये जो फोर्स है ये पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी चेंज नहीं कर सकता। वर्क एनर्जी थ्योरम ये तो कहती है, वर्क डन इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, हाँ या ना? सर आपने काइनेटिक एनर्जी की बात निकाली तो उसका फॉर्मूला भी बताई तो ठीक है, लिख लेते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है बेटा। काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? हाफ एम वी स्क्वायर, कुछ भी नहीं करना है, वी की वैल्यू उठा लो यहां से, क्यू बी आर डिवाइडेड बाय एम उठा के वहां पे रख दो, ठीक है। वेलोसिटी की वैल्यू यहां से उठा लो, वेलोसिटी क्यू बी आर डिवाइडेड बाय एम उठा के रख दो वहां पे, सिंपल सा फॉर्मूला आपको मिल जाएगा, करके देख लेना, ठीक है। तो ये जितनी चीजें मैंने डब्बे में डाली है सारी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, फिर इरेज करके आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो अभी हम लोगों ने बात की मोशन ऑफ अ चार्ज पार्टिकल इन मैग्नेटिक फील्ड की, अब हम देखते हैं अलग अलग केसेस। देखिए, सबसे पहली बात, आपने जो फोर्स का फॉर्मूला लिखा मैग्नेटिक फोर्स का, वो फॉर्मूला क्या था? वो फॉर्मूला था एफ इक्वल्स टू क्यू वी क्रॉस बी, यानी क्यू वी बी साइन थीटा। अच्छा, ठीक है, तो यहीं से एक बात पे मेरा ध्यान दे जाता है, आप लोगों का भी ध्यान डेफिनेटली गया होगा कि सर थीटा की चर्चा तो करो, कि अगर थीटा लेट से 90 डिग्री तो क्या, थीटा 0 डिग्री तो क्या, और थीटा अगर इनके बीच में कोई रैंडम वैल्यू तो क्या होगा, ठीक है। 90 डिग्री की तो हमने बात की कि जब आपका पार्टिकल है, लेट से ये रहा आपका पार्टिकल, ये एंटर कर रहा है v वेलोसिटी से, सुनिए जरा ध्यान से, इट इज एंटरिंग विद सम वेलोसिटी v, वेयर इज मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड इज इनसाइड। तो वापस वही बात, f इक्वल टू q v क्रॉस b, v है पार्टिकल की वेलोसिटी, ये पार्टिकल यहां आ रहा है, मैग्नेटिक फील्ड अंदर जा रही है, फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी, एफ इक्वल्स टू क्यू वी क्रॉस बी, वी क्रॉस बी यहां फोर्स लगेगा जिसकी वजह से इसकी डायरेक्शन टिल्ट होगी, सर्कुलर मोशन करेगा और बाहर निकलेगा। सुनिए, अगर पार्टिकल ऑलरेडी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर स्टार्ट करता है मोशन, मतलब पार्टिकल ने मोशन स्टार्ट किया और आपने मैग्नेटिक फील्ड लगा दी, तो पार्टिकल क्या करेगा, पार्टिकल कुछ इस तरह का नेचर शो करेगा, देखिए वी क्रॉस बी इस तरह से फोर्स लगेगा परपेंडिकुलरली अपवर्ड यहां, और पार्टिकल का मोशन होगा एक सर्कल, ठीक है। अगर नेगेटिव चार्ज हुआ, इफ द चार्ज इज नेगेटिव, देन व्हाट विल हैपन, एफ इक्वल्स टू माइनस क्यू वी क्रॉस बी, अगर चार्ज नेगेटिव है तो नीचे सर्कल बन जाएगा, बना नहीं रहा हूं, कॉमन सेंस की बात है, क्लियर है ना, वी क्रॉस बी माइनस लगा तो अपोजिट डायरेक्शन में सर्कल बन जाएगा, ठीक है। लेकिन सर अगर पार्टिकल बाहर से एंटर करता है तो क्या होगा, ठीक है, और एंगल कितना है, एंगल 90 ले लिया हम लोगों ने, तो क्या होगा, एक एक केस डिस्कस कर रहे हैं, सुनिए। तो पार्टिकल जो है फोर्स लगा उस पर, यहां F थोड़ा टिल्ट हुआ, आगे बढ़ा, टिल्ट हुआ, आगे बढ़ा, फोर्स लग रहा है, 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 यहां आएगा और फिर क्या होगा बेटा, बोलिए फिर क्या होगा, जिस तरह से पार्टिकल एंटर हुआ था बिल्कुल उसी तरह से चुपचाप बाहर निकल जाएगा, ठीक है। ये रहा सेमी सर्कुलर पाथ, क्योंकि आधी डायरेक्शन में तो मैग्नेटिक फील्ड है ही नहीं ना, अरे सिंपल, हाँ या ना, वी वेलोसिटी से एंटर हुआ, घुमा फिरा, ट्वी निकल गया, यहां से एंटर हुआ, ट्वी निकल गया, अरे हाँ या ना, बोलो यार, क्लियर है, चलो बड़ी अच्छी बात है। और क्या केसेस बनेंगे इसमें, उसकी चर्चा करते हैं। उससे पहले सर आपने जो ये लिखा हुआ है ना कि एंगल अगर 0 डिग्री है तो क्या होगा, चलो मान लो कि पार्टिकल v वेलोसिटी से आगे बढ़ रहा है, आपने मैग्नेटिक फील्ड कुछ ऐसी लगा दी, ऐसी ऐसी कैसी ऐसी, तो एंगल कितना है इन दोनों के बीच में, बोलना पड़ेगा, आवाज नहीं आ रही, जल्दी बोलो कितना, हाँ बिल्कुल सही बात, 0 डिग्री इज द एंगल, ओके। पार्टिकल पे क्या होगा सर, कितना फोर्स लगेगा, रखो यहां पे साइन 0, कितना फोर्स लग रहा है, 0, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जैसे चल रहा था वैसे ही चलता जाएगा, ठीक है। चलो सर, बड़ा मजा आया, बड़ी अच्छी बात है, कुछ और केसेस बताओ इसमें आप, तो देख लेते हैं बेटा, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड एक्सटेंड कर देते हैं, लेट्स से दैट द पार्टिकल इज एंटरिंग समथिंग लाइक दिस, कुछ ऐसे एंटर कर रहा है पार्टिकल, ठीक है, वी वेलोसिटी से, ओके। तो सर इस केस में कहां फोर्स लगेगा, तो बड़ा अजीब सा दिख रहा है, अरे क्या अजीब सा दिख रहा है, देखो यहां तक तो कोई मैग्नेटिक फील्ड है नहीं, इस लाइन तक बना ही देता हूं, एक छोटी सी लाइन बना देता हूं, कि लेट से यहां तक तो कोई मैग्नेटिक फील्ड है नहीं, जैसे ग्रीन लाइन को क्रॉस किया मैग्नेटिक फील्ड आ गई, वी क्रॉस भी करिए, वी क्रॉस भी यहां लगेगा फोर्स, उसके कारण क्या होगा, उसके कारण इसकी डायरेक्शनलिटी चेंज होगी,
ठीक है, जाएगा कुछ ऐसा पाथ बनाएगा और क्या करेगा, जिस तरह से निकलेगा, निकला जिस तरह से एंटर हुआ था v वेलोसिटी से, जिस एंगल पे थीटा एंगल पे एंटर हुआ था, बिल्कुल उसी तरह से, उस ही रफ्तार से, सेम एंगल फ्रॉम द एक्सिस पे बाहर निकल जाएगा। अरे कोई बड़ी बात है क्या, ये घुसा इधर बाहर निकल गया, अरे बोलो यार, सिंपल था। हाँ सर ये तो बड़ा मजेदार था, बड़ा मजा आया, एक केस और बताओ। ठीक है एक केस और देख लेते हैं, देखिए ये इस बार कुछ ऐसे एंटर कर रहा है ऐसे, ठीक है यू, ठीक है यहां से मैग्नेटिक फील्ड स्टार्ट हो रही है, कीजिए वी क्रॉस बी, ये तो वैसे ही केस बन जाएगा सर, ये तो बिल्कुल वैसे ही केस बना दिया आपने। ठीक है इसको थोड़ा सा टिल्ट कर देते हैं, इसको ऐसा कर देते हैं, ऐसा कर देते हैं यू, ठीक है तो वी करिए, वी क्रॉस बी कहां लगेगा, यहां लगेगा फोर्स, थोड़ा नीचे से लेते हैं, ठीक है देख लो इसको एक बार, थोड़ा नीचे से ले लेते हैं, यहां से ले लेते हैं, ये एंटर करवा दिया हम लोगों ने वी, ठीक है वी क्रॉस बी, ठीक यहां लगेगा फोर्स, अरे हाँ या ना, बिल्कुल लगेगा, तो कहां जाएगा पार्टिकल, ये गया ठीक है ऐसे, ओ हो 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 हो, और कहां निकलेगा, बिल्कुल ऐसे निकल गया ऐसे, अरे कुछ रटने वाली बात, कुछ कोई रटने वाली बात नहीं, इसमें सिंपल सी बात है, बिल्कुल वी क्रॉस बी, वी क्रॉस बी, वी क्रॉस बी करते जाओ, वी क्रॉस बी, देखो यहां फोर्स लग रहा है इस डायरेक्शन में, तो ऑब्वियसली बात है कि पार्टिकल ऐसे टिल्ट होगा हर इंस्टेंट पे, वी क्रॉस बी देखो, ये देखो वी क्रॉस बी एफ की डायरेक्शन, ठीक है ये बाहर निकल गया पार्टिकल, कोई दिक्कत, स्क्रीनशॉट ले लो, इरेज करके फिर आगे की चर्चा करते हैं। तो कहां जाएगा सर, आपने 90 डिग्री पे तो बात कर ली, आपने 0 डिग्री पे भी बात कर ली, अब आप ये बता दीजिए कि अगर आप पार्टिकल को किसी रैंडम एंगल थीटा पे प्रोजेक्ट करते हैं तो क्या होगा। चलिए केस लेते हैं, बड़ा इंटरेस्टिंग केस बनेगा, ठीक है मजा आने वाला, आइए शुरू करें। ये रही आपकी मैग्नेटिक फील्ड, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ओके दिस इज बी, आप पार्टिकल को कहां प्रोजेक्ट कर रहे हैं, वेर आर यू प्रोजेक्टिंग द पार्टिकल, यू आर प्रोजेक्टिंग द पार्टिकल एट सम रैंडम एंगल थीटा फ्रॉम द मैग्नेटिक फील्ड, ओके थीटा फ्रॉम द मैग्नेटिक फील्ड पर आप इसको प्रोजेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो सर ये जो वेलोसिटी है इसके तो दो कॉम्पोनेंट हमको दिख रहे हैं, बिल्कुल सही बेटा दिख रहे हैं, ये कौन सा कॉम्पोनेंट बन गया, साइन या कॉस, साइन या कॉस, ये सर बन गया कॉस, वी कॉस थीटा, और ऊपर वाला कॉम्पोनेंट ये कौन सा कॉम्पोनेंट बन गया बोलिए, दिस इज वी साइन थीटा, वी का साइन थीटा, बिल्कुल सही बात। अच्छा तो सर ये जो वी कॉस थीटा है, ये जो वी कॉस थीटा है भैया, ये तो बी की डायरेक्शन में है, दिस इज अलोंग द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, हाँ या ना, सेम कलर से ले लेता हूं, ठीक है यूनिफॉर्मिटी दिखती है, अच्छा लगता है, ठीक है दिस इज अलोंग द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, बिल्कुल सही बात बोल दी, क्या बात बोल दी, दैट वी कॉस थीटा इज अलोंग द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, मतलब उस पर कोई फोर्स नहीं लगेगा, हाँ या ना, बिल्कुल सही बात, और ये इस डायरेक्शन में सेम वेलोसिटी से आगे बढ़ता जाएगा पार्टिकल, पार्टिकल का है ये रहा ना आपका पार्टिकल, दिस इज योर पार्टिकल जिसको आपने वी वेलोसिटी से थीटा एंगल पे प्रोजेक्ट किया है, ओके। लेकिन सर इसके पास एक ये भी तो वेलोसिटी है, ये क्या खेल करेगी, आइए समझते हैं कि ये क्या खेल करेगी, ये जो वेलोसिटी है वी साइन थीटा, दिस इज परपेंडिकुलर टू बी, वी साइन थीटा इज परपेंडिकुलर टू बी, अरे हाँ या ना बोलो यार, जल्दी बोलो, कोई दिक्कत वाली बात, बिल्कुल नहीं, तो क्या होगा, तो क्या होगा, तो ये तो वही केस बन जाएगा कि अगर पार्टिकल किसी वेलोसिटी से मैग्नेटिक फील्ड में एंटर होती है, और वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड अगर परपेंडिकुलर है तो पार्टिकल किस तरह का मोशन करता है, सर्कुलर मोशन करता है, तो सर किस डायरेक्शन में करेगा, आप तो इसकी बात बताओ, वी, वी कहां है, ऊपर है वी, जो भी वी का कॉम्पोनेंट है, ठीक है जिसके कारण सर्कुलर मोशन हो रहा है वी, अब सर वी कहां है, वी तो समझ में ही नहीं आ रहा, अरे वी देखो ना किधर है, वी यहां है, तो वी क्रॉस बी, वी क्रॉस बी, ओके मतलब जो पार्टिकल का सर्कल बनेगा वो कुछ ऐसा सर्कल बनेगा, सर ये कहां है बेटा, ये है बोर्ड के अंदर से बोर्ड के बाहर, कुछ ऐसा, ठीक है कैसा है ये सर, विजुअलाइज नहीं हो रहा है, अब करो विजुअलाइज, देखो जरा बी कहां है, बी यहां है, हाँ या ना, वी कहां है, दिस इज वी, वी की जगह कौन सा है, वी का कॉम्पोनेंट है, कौन सा कॉम्पोनेंट है, साइन थीटा, वी साइन थीटा, बड़ी अच्छी बात है, वी साइन थीटा, तो क्यू वी क्रॉस बी जो है, क्यू वी क्रॉस बी जो है वो कहां आया है, वी क्रॉस बी, एफ कहां लग रहा है, एफ अंदर लग रहा है, ये बोर्ड के अंदर है, सुनो ये बोर्ड के अंदर जा रहा है और यहां पे अंदर से ऐसे बाहर निकल रहा है, इसको ऐसे डॉटेड लाइन से बना देता हूं मैं, ठीक है देखो वी क्रॉस बी यहां लगा तो पार्टिकल यू निकला और थोड़ा सा टर्न हुआ 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 ऐसे बाहर आया, ऐसे गोल घूम रहा है पार्टिकल, अरे विजुअलाइज हो गया क्या, विजुअलाइज हो गया क्या सबको, डायग्राम देख लो, बोलो थ्री डी है ये, थ्री डी,
अंदर से बाहर, ये देखो ऐसे 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 कैसे कैसे ऐसे ऐसे। अच्छा तो सर ये तो आपने वी साइन थीटा की बात कर रही, इतनी बात तो हमारे दिमाग में चली गई, बड़ी अच्छी बात लगी आपने इसका बता दिया कि ये जो है वी क्रॉस बी, वी क्रॉस बी ये ऐसा मोशन करेगा, ये तो समझ में आया। लेकिन ये जो इसका छोटा भाई बैठा हुआ है वी क्रॉस थीटा, ये क्या करेगा बेटा, ये इसको बोलेगा चलो आगे बढ़ते हैं। वी साइन थीटा क्या कर रहा है, ऐसे गोल घुमा रहा है। वी कॉस थीटा क्या बोलेगा, आगे बढ़ो। तो ये गोल घूमते हुए आगे बढ़ने लगेगा, गोल घूमते हुए आगे बढ़ने लगेगा, मतलब इसका मोशन कैसा आ जाएगा, इसका नेट पाथ कैसा आ जाएगा, इसका पाथ जो है आपके सामने आ जाएगा स्पाइरल। कैसे सर, ऐसे, देखिए सर ऐसे ऐसे, समझ रहे हैं, दिस इज स्पाइरल, स्पाइरल मोशन हो जाएगा इसका बोर्ड के अंदर से बाहर तक, ऐसे 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 घूमते हुए। हाँ या ना बोलना पड़ेगा, बोलिए कोई दिक्कत है इसमें, इसमें कोई दिक्कत है क्या, किसी भी प्रकार की कोई समस्या, वो डायग्राम मिटा दूं, कुछ रिजल्ट्स निकालने हैं हमको, इसको इरेज कर देते हैं, ये इरेज कर दिया हमने, बड़ी अच्छी बात है। ठीक है सर, ये बात तो समझ में आ गई, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, है ना। तो क्या सर इसमें आप सर्कुलर के वही रिजल्ट्स लगा सकते हैं जो आपने सिखाए थे, बिल्कुल लगा सकते हो, लेकिन सर वेलोसिटी तो अलग है। अरे तो जो वेलोसिटी है वो ले लो, है ना, और चलो नहीं लगाना वो रखना नहीं है आपको, वापस से निकालना वापस से निकाल लो। बोलो क्या किया था आप लोगों ने, आपने लिखा था एम वी स्क्वायर बाय आर इक्वल्स टू क्यू वी क्रॉस बी, है ना, क्यू वी बी साइन थीटा, वी की जगह हम क्या ले लेंगे, वी साइन थीटा ले लेंगे। तो इसको भी मैं वी डैश ले रहा हूं, इसको मैं वी डैश ले रहा हूं, वी डैश को मैं क्या ले लूंगा, वी डैश को क्या ले लूंगा, मैं वी साइन थीटा ले लूंगा। ठीक है, तो आर का रिजल्ट कितना आ गया, आर का रिजल्ट क्या था, आर इक्वल्स टू एम वी बाय क्यू बी, दैट मीन्स एम वी साइन थीटा डिवाइडेड बाय क्यू बी, बड़ी अच्छी बात है। टाइम पीरियड का रिजल्ट क्या था, इसको डब्बे में डाल दो, ओमेगा और टाइम पीरियड का रिजल्ट क्या था, जल्दी से बताइए क्या रिजल्ट था। टी इक्वल्स टू टू पाई आर बाय बी लिखते हैं, टी इक्वल्स टू टू पाई आर बाय बी लिखते हैं, टू पाई आर डिवाइडेड बाय बी, तो बी को आप क्या लिख देंगे, बी की जगह आ जाएगा वी साइन थीटा। कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम किसी भी प्रकार की नहीं है, ठीक है। अब देखिए हमको इसमें निकालना है नई टर्म, एक नई टर्म इंट्रोड्यूस कर रहे हैं जिसका नाम है पिच। क्या नाम है जिसका, पिच, ठीक है। यहां लिख रहा हूं मैं पिच, पी आई टी सी एच। तो पहले फील लो, पहले सिर्फ फील लो यार, देखो फॉर्मूले वॉर्मूले किसी भी किताब में मिल जाएंगे, ठीक है, नेट पे भी मिल जाएंगे आपको, आप पहले फील लो उस चीज की कि चल क्या रहा है, ठीक है, वो फील इंपॉर्टेंट है। पिच क्या होता है कि एक कंप्लीट टाइम पीरियड में जितनी देर में पार्टिकल एक पूरा 2 पाई आर घूमा है उतने में वो आगे कितना बढ़ गया, नहीं समझे, द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द पार्टिकल इन वन कंप्लीट रिवॉल्यूशन, मतलब ये कि यहां से ये स्टार्ट हुआ, इधर गया, घूमा, वापस आया, और फिर जब यहां पे पहुंचा तो लेट से ये डिस्टेंस, एक कंप्लीट 360 अगर ये घूमता इधर एक ही जगह पे घूम रहा होता तो फिर तब तो कोई बात ही नहीं थी, लेकिन ये घूमने के साथ क्या कर रहा है, ये ऐसे घूमने के साथ क्या कर रहा है, आगे बढ़ रहा है, आपकी तरफ आ रहा है, समझे, तो ऐसे घूमते हुए ये आगे बढ़ रहा है। तो मतलब एक कंप्लीट रोटेशन में कितना लीनियर डिस्टेंस ट्रेवल कर लेगा, दैट मीन्स इट इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द पार्टिकल इन वन कंप्लीट रोटेशन। तो मैं डिस्टेंस को डायरेक्टली लिख सकता हूं स्पीड, स्पीड इंटू टाइम, हाँ या ना, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम, किस स्पीड से आगे बढ़ रहा है, आगे बढ़ने की स्पीड की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है, द लीनियर डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन वन कंप्लीट टाइम पीरियड, कितने कितने स्पीड से आगे बढ़ रहा है, वी कॉस थीटा से, बड़ी अच्छी बात है। तो ये बन गया वी कॉस थीटा इंटू टाइम पीरियड, टाइम पीरियड कितना है, टी उठा के रख दो, टू पाई आर डिवाइडेड बाय वी का साइन थीटा। तो जल्दी से बताओ क्या फॉर्मूला आता है पिच का, जल्दी से बताओ क्या फॉर्मूला आता है, ठीक है, फिर इसको इरेज करके थोड़ा सा आगे की बातें लिखें। मेरे ख्याल से आप लोगों ने कर लिया होगा, तो पिच कितनी आ जाएगी, लिखिए जरा, वी तो कैंसिल आउट हो गया, ये बना 2 पाई आर इंटू कॉस थीटा बाय साइन थीटा को एज इट इज लिख देते हैं, अभी यहां लिख देते हैं कॉस थीटा और यहां लिख देते हैं साइन थीटा, कैंसिल आउट हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, चिंता की बात नहीं है, साइन थीटा यहां पे आ गया, ठीक है। आर की वैल्यू उठाओ और रख दो, वी तो कट गया ना, 2 पाई आर, आर की वैल्यू उठाओ और रख दो, देखो जरा क्या है आर की वैल्यू, बताओ, आर की वैल्यू है एम वी साइन थीटा, साइन थीटा मर गए, साइन थीटा मर गए, है ना, कॉस थीटा डिवाइडेड बाय क्यू बी, और क्या बच रहा है यहां पे, 2 पाई, तो ये बन गया फॉर्मूला 2 पाई एम वी कॉस थीटा बाय क्यू बी, दिस इज द फॉर्मूला फॉर पिच, दिस इज द फॉर्मूला फॉर
पिच। तो क्या किया हम लोगों ने, एक बार फिर से क्विकली रिकैप करवा देता हूं, क्या किया हम लोगों ने, एक पार्टिकल था जो कि किसी रैंडम एंगल पे फेंका गया था, लेट्स से मैग्नेटिक फील्ड यहां है, आपने किसी रैंडम एंगल पे फेंक दिया, दो कंपोनेंट्स ऑफ वेलोसिटी ब्रेक हुए, एक कंपोनेंट ने गोल घुमाया, दूसरे कंपोनेंट ने बोला चलो आगे चलते हैं, ठीक है, तो ये गोल घूमते घूमते आगे बढ़ गया, ठीक। तो जो डिस्टेंस इसने ट्रेवल की इतने समय में, टाइम पीरियड में, वो कहलाती है पिच। पिच को आपने लिखा स्पीड इनटू टाइम, किस स्पीड से आगे बढ़ रहा पार्टिकल, एक्स डायरेक्शन की स्पीड से, दैट इज वी कॉस थीटा, है ना, ठीक है ना। और टाइम, टाइम की वैल्यू अपन ने उठा के रख दी 2 पाई आर डिवाइडेड बाय वी साइन थीटा, सिंपल। उसके बाद क्या किया, आर की वैल्यू रख दी, कैलकुलेट किया, आंसर आ गया, क्लियर है, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो। तो अगला टॉपिक शुरू करते हैं, फोर्स बिटवीन टू पैरेलल मूविंग चार्जेस। दो चार्जेस ले लीजिए, ले लिए सर, किस तरह के ये रहे, कैसा नेचर इनका, पॉजिटिव ले लेते हैं, ठीक है, पॉजिटिव चार्ज क्यू ले लिया हम लोगों ने, बड़ी अच्छी बात है, क्यू चार्ज ये रहा। कहां जा रही है, किस वेलोसिटी से जा रहे हैं, बता देते हैं वेलोसिटी, ये रही वेलोसिटी वी, ये रही वेलोसिटी वी, ओके। तो सर अगर एक चार्ज मूव करता है तो क्या उसके कारण मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होती है, बिल्कुल होती है, तो इसके कारण इस पे कोई मैग्नेटिक फील्ड होगी, हाँ या ना, लेट्स से दिस इज चार्ज नंबर वन, दिस इज चार्ज नंबर टू, क्या चार्ज वन के कारण टू पे मैग्नेटिक फील्ड है, बिल्कुल है सर, उसकी डायरेक्शन क्या है, कैसे निकालेंगे, अरे मुझको एक बात बताइए कि ये अगर पॉजिटिव चार्ज है तो लेट्स से कि इसके कारण करंट है, तो उसकी डायरेक्शन आई है ऊपर, इलेक्ट्रॉन नीचे जाता है अगर तो करंट ऊपर जाता है ना, करंट की डायरेक्शन क्या लेते हैं, डायरेक्शन ऑफ पॉजिटिव चार्ज, यस। तो अगर ये करंट है तो उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होती है बेटा, हमको मालूम है, इस तरफ होगी अंदर, कैसे निकालते हैं सर, ऐसे निकालते हैं, ऐसे, अरे ऐसे कर दो तो ऐसी लूप्स बनेंगे ना, ये अंदर और ये बाहर, तो एक तरफ अंदर एक तरफ बाहर, ठीक है, एक तरफ अंदर एक तरफ बाहर, बड़ी अच्छी बात है सर। तो यही लॉजिक यहां पे लगाते हैं, ठीक है, फ्रॉम दिस चार्ज द मैग्नेटिक फील्ड एट दिस पॉइंट वुड बी समवॉट लाइक दिस, डेफिनेटली कितनी होगी, लिख देते हैं बी, सुनते चलना समझते चलना, इस चार्ज पे हमको फोर्स निकालना है, वी आर फाइंडिंग द फोर्स ऑन चार्ज नंबर टू, चार्ज सेम है, वेलोसिटी भी सेम ले लो, ठीक है, इसके कारण, लेफ्ट वाले के कारण राइट वाले पे मैग्नेटिक फील्ड है, यहां है, कहां है, अंदर है, तो सर इसकी वैल्यू कितनी है, इस मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कितनी होगी, बायट सावर्ट लॉ ने क्या सिखाया, उन्होंने हमको सिखाया कि बी इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन फोर पाई आई डीएल साइन थीटा। अच्छा एक मिनट, साइन थीटा कितना है, साइन थीटा कितना है, बी और बी के बीच का एंगल कितना है, बी अंदर और बी ऊपर 90 डिग्री, तो थीटा की चिंता नहीं करनी, साइन थीटा वन बन जाएगा, अरे हाँ या ना, बिल्कुल। तो आई डी एल डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर, ओके। तो सर आई को हम लोग क्या लिख सकते हैं, आई को हम लोग लिख सकते हैं क्यू बाई टी, तो लिख दो यहां पे जरा, क्या बन जाएगा ये कुछ ऐसा बन जाएगा, इसको आप लिख सकते हैं, थोड़ा सा नीचे लिख देता हूं, ठीक है, यहां लिख दो, अलग कलर से लिख देते हैं, कंफ्यूजन नहीं होगा, म्यू नॉट अपॉन फोर पाई, इसको आपने लिख दिया आई को क्यू बाई टी, तो डीएल बाई टी कितना बन गया, डीएल बाई टी क्या बन गया, वेलोसिटी बन गया, डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर, तो ये फॉर्मूला आपके पास आ गया मैग्नेटिक फील्ड का, कोई दिक्कत वाली बात, अरे बोलो है क्या, नहीं है, बहुत बढ़िया, ठीक है, तो ये मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला आ गया, ठीक है। अब हमको मालूम है कि अगर एक चार्ज मैग्नेटिक फील्ड में मोशन करता है, ठीक है, देखो ये डिस्टेंस छोटी है, तो मैग्नेटिक फील्ड का ये मत सोचना कि ये सर इस पॉइंट पे अलग अलग होगी, नेग्लिजिबल है, ठीक है, चेंज उसका, तो ये इसकी वजह से अंदर ही है थ्रू आउट, और ये वी वेलोसिटी से वी मैग्नेटिक फील्ड में अगर चलता है चार्ज, तो अभी हमने सीखा कि जो फोर्स लगता है उस पे, ये बात चल रही है फोर्स ऑन टू ड्यू टू वन कितना बन गया ये, दिस इज क्यू वी क्रॉस बी, क्यू वी, अभी तो मैंने सेम लिया है चार्ज भी वेलोसिटी भी, लेकिन कल को अलग अलग आए तो आप कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, क्यू B क्रॉस B, और B की वैल्यू उठाइए, यहां रख देता हूं, ठीक है, B की वैल्यू उठाइए म्यू नॉट अपॉन फोर पाई इंटू क्यू वी, तो ये बन गया क्यू स्क्वायर वी स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर, अरे जरा बोलिए कोई दिक्कत है क्या सर, इसकी डायरेक्शन की तो आपने बात ही नहीं की, कर लेते हैं V क्रॉस B, कहां लगेगा ये फोर्स फोर्स ऑन टू ड्यू टू वन, अलग तरह का पेन ले लेते हैं, अलग कलर ले लेते हैं, ये रहा इधर लग रहा है फोर्स ऑन टू ड्यू टू वन, ठीक है, डायरेक्शन क्या है इसकी, डायरेक्शन है टुवर्ड्स दिस साइड वी क्रॉस बी, अच्छा, तो न्यूटन सेकेंड लॉ से हम क्या कह सकते हैं
कि इसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड होगी, देखो दोनों तरह से बता सकते हो कि इस पे फोर्स तो अपोजिट डायरेक्शन में ही लगेगा, मतलब इस पे लेफ्ट है तो इस पे राइट ही होगा। F12 इक्वल आएगा, बिल्कुल इक्वल आएगा, करके देख लो, अपोजिट आएगा, डेफिनेटली आएगा। इफ दिस इज F21, दिस इज F12, ठीक है, न्यूटन सेकेंड लॉ। फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, तरीका देख लो, इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड कहां होगी सर? अरे देख लो, इसकी वजह से बाहर होगी, अगर बाहर है तो वी क्रॉस बी कर दो, यही आएगा, हेंस प्रूव्ड हो गया, बिल्कुल हो गया। सर अगर हम लोग चार्जेस अलग अलग ले लें, मान लीजिए कि मैं इसको Q1 और इसको Q2 ले लूं, तो क्या होगा? अरे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ये क्या बन जाएगा, ये क्यू स्क्वायर के बदले क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा Q1 Q2 इंटू वी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4πr², कोई दिक्कत नहीं। अच्छा सर इसमें एक और फोर्स लग रहा है, बताइए इसमें एक और फोर्स कौन सा लग रहा है? ये तो आपने मैग्नेटिक फोर्स की बात की है ना, ये कौन सा फोर्स है? ये है मैग्नेटिक फोर्स जो कि पार्टिकल्स पे लग रहा है। इस पे एक और फोर्स लग रहा है, कौन सा लग रहा है फोर्स? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। क्यों? सेम चार्जेस हैं सर, रिपेल तो कर ही रहे होंगे ना, बिल्कुल कर रहे होंगे, तो कहां लग रहा है वो? वो यहां लग रहा है अपोजिट डायरेक्शन में। तो अगर मैं किसी भी पार्टिकल को देखूं, लेट्स से दिस इज द पार्टिकल, तो क्या सर उस पर दो फोर्स लग रहे हैं एक समय पे? बिल्कुल लग रहे हैं। राइट साइड कौन सा लग रहा है? इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन। लेफ्ट साइड कौन सा लग रहा है? मैग्नेटिक फोर्स। ओके, तो क्या सर कभी ये दोनों फोर्सेस बराबर हो सकते हैं, और अगर होंगे तो किन कंडीशंस में होंगे? ठीक है, तो आइए चेक करते हैं कैसा हो सकता है, बड़ा इंटरेस्टिंग रिजल्ट है, मजा आएगा आपको देखना। अगर ये दोनों फोर्सेस बराबर हैं, ठीक है, तो उसकी कंडीशन निकालते हैं। ये होगी कंडीशन, इफ द टू फोर्सेस आर बराबर, मतलब पार्टिकल एज इट इज सीधा का सीधा चलता जाए। ठीक है, बता रहा हूं मैं कंडीशन, उसके बाद आपको टास्क दूंगा कि सोचना इसके बारे में, जितना सोच सको सोचना, और जो भी क्वेरीज आए कमेंट सेक्शन में लिखना, चर्चा करेंगे, बड़ा मजा आएगा। ठीक है, तो मैग्नेटिक फोर्स का फॉर्मूला आपने क्या लिख दिया, रख देते हैं उठा के, थोड़ा सा मैं इसको इरेज कर देता हूं, स्क्रीनशॉट मेरा मानना है कि आपने ले लिया होगा। ठीक है, थोड़ा सा इसको इरेज कर देते हैं, फिर इसकी चर्चा करते हैं। ठीक है, ये मैं इसको इरेज कर रहा हूं, स्क्रीनशॉट लेते चला करो, इंपॉर्टेंट बातें लिखते जाया करो, है ना, इंटरेस्टिंग बात आने वाली है बहुत। तो देखिए, ये चर्चा हम लोगों ने लिखी कि पार्टिकल सीधा चलता जाए, दोनों फोर्सेस अगर बराबर हैं तो इनका रेशो वन आ जाएगा, ऊपर वाले की वैल्यू रखो कितनी है, म्यू नॉट Q1 Q2 इंटू वी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4πr². अच्छा, ठीक है, डिवाइडेड बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कितना होता है, K Q1 Q2 बाय r² होता है, डेफिनेटली होता है। तो हमने क्या लिख दिया इसको, K को लिख दिया 1/4πε0। ठीक है, Q1 Q2 डिवाइडेड बाय r², चलो ठीक है, जो जो कैंसिल आउट हो रहा है उसको काट दो, पहले जल्दी से काट दो, और इसका रेशो कितना है, इसका रेशो 1 है। यही तो बात चल रही है कि अगर फोर्सेस बैलेंस हो गए तो पार्टिकल सीधा सीधा चलेगा। कैंसिल आउट करो, देखो क्या आता है, देखो जरा क्या आता है। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा, ये r² भी कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, तो रिजल्ट कुछ इस तरह से आ रहा है, इसको अगर मैं नेट लिखूं कितना बच रहा है, तो रिजल्ट कुछ इस तरह से दिखेगा आपको, म्यू नॉट और ये 1/ε0 है, तो ये डिवाइड में चला जाएगा, तो म्यू नॉट, ठीक है, कहां जाएगा ये, अरे ऐसा लिखो ना, सॉरी डिवाइड में जाएगा, मल्टीप्लिकेशन में जाएगा, x/y = a/b, तो ये क्या बन जाता है, x/y (b/a), मतलब ये ऊपर चला जाएगा। ठीक है, तो दिस इज म्यू नॉट (εO)(v²)=1। ओ हो, ये तो कोई अलग ही खेल हो रहे हैं। ठीक है, देखते हैं क्या हो रहा है, मजा आ रहा है सर करने में, करते जाओ। तो देखो जरा, ये बन गया v²=1/μ0ε0। अरे याद आ रहा है, कुछ देखा हुआ लग रहा है, क्या होता है ये √μ0ε0। भाई साहब किसकी वैल्यू होती है ये, स्पीड ऑफ लाइट की। अच्छा, मतलब अगर ये पार्टिकल स्पीड ऑफ लाइट पे चलेगा तो ऐसी चर्चा होगी। ठीक है, मेरा काम था आपके अंदर क्यूरियोसिटी पैदा करना, अब देखते हैं आप लोग इसके बारे में क्या सोचते हो, क्या पढ़ते हो, कहां से पढ़ते हो, फिर मुझको कमेंट सेक्शन में बताना। ठीक है, तो चलिए चर्चा आगे बढ़ाते हैं, इसको इरेज करते हैं, जल्दी से लिख लो। अब बात करते हैं फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग वायर की। ठीक है, हमारे पास एक वायर है जिसमें कुछ करंट है आई, और ये हम लोगों ने रख दिया है मैग्नेटिक फील्ड में, जिसकी वैल्यू है बी। तो यदि करंट ऊपर जा रहा है तो इसका मतलब कि सिस्टम में इलेक्ट्रॉन्स हैं, चार्जेस हैं जो कि मूव कर रहे हैं, और अगर चार्ज मूव कर रहा है मैग्नेटिक फील्ड में तो उस पर फोर्स लगना चाहिए। अगर इलेक्ट्रॉन्स नीचे जा रहे हैं तभी तो करंट ऊपर जा रहा है, अपोजिट टू द डायरेक्शन फ्लो ऑफ कन्वेंशनल करंट की डायरेक्शन क्या होती है, अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब लेट्स से पॉजिटिव चार्जेस ऊपर जा रहे हैं, मान सकते हैं, बिल्कुल मान सकते हैं,
मैंने एक छोटा सा एलिमेंट ले लिया इस पर, एक छोटा सा एलिमेंट ले लिया, कितनी लेंथ का, डीएल लेंथ का, सिर्फ इस डीएल लेंथ की चर्चा करो, इस पर कुछ चार्ज है क्यू, है ना, और इस चार्ज पे फोर्स कहां लग रहा है, क्यू वी क्रॉस बी, देखिए फोर्स कहां लग रहा है, इस डायरेक्शन में कहीं यहां पे लग रहा है, बिल्कुल सही बात है, दिस इज द फोर्स, और कितना लग रहा है, हाउ मच इज दिस फोर्स, यहां लिख देते हैं, दिस फोर्स इज, डार्क कलर यूज करते हैं थोड़ा सा, ये फोर्स जो है ये है क्यू वी क्रॉस बी, और एंगल 90 डिग्री, इसलिए बी बी साइन थीटा, साइन थीटा की वैल्यू 1, है ना, इतना हमारा सेंस डेवलप हो चुका है, बिल्कुल अच्छी बात है, सही बात है, ये डीएल पे लगने वाला फोर्स है, छोटे से एलिमेंट पे लगने वाला फोर्स है, ठीक है। तो सर हम करंट को क्या लिखते हैं, हम करंट को लिखते हैं क्यू या तो डी क्यू, जो भी इसका छोटा फोर्स है ना, डिवाइडेड बाय टाइम, ओके लिखते हैं ना, बिल्कुल लिखते हैं, तो हम क्या लिख सकते हैं इसको, क्यू को क्या लिख सकते हैं, व्हाट वी कैन राइट अबाउट क्यू, वी कैन राइट इट आई डी टी, लिख दो क्यू इक्वल्स टू आई टी या आई डी टी, डी क्यू बाई डी टी भी लिख सकते हो, कोई चिंता वाली बात नहीं है, ठीक है, समझने वाली बात है, लॉजिक से समझा रहा हूं आपको, डायरेक्ट वैसे भी रिजल्ट याद रखना है, डेरिवेशन की चिंता नहीं करनी, फिर भी मैं बता रहा हूं, लॉजिक से कंपेयर करते हैं, आइए ये बन गया आई डी टी, ठीक है, वी को क्या लिख सकते हैं, आप वी को लिख सकते हैं डी एल बाई डी टी, ठीक है, इंटू बी, डी टी को तो निपटा दो, निपट गया, ठीक है, हाँ निपट गया तो गया, ये कौन सा फोर्स है बेटा, जो छोटे से एलिमेंट पे लग रहा है, तो सर टोटल फोर्स निकालने के लिए आप क्या करेंगे, टोटल फोर्स निकालने के लिए हम इंटीग्रेट कर देंगे, अरे इंटीग्रेशन में क्या बचा, सिर्फ ये आई तो कांस्टेंट है, मैग्नेटिक फील्ड भी कांस्टेंट है, इंटीग्रल डीएल बचा, हाँ बचा, तो वो क्या बन जाएगा, टोटल लेंथ बन जाएगी, इसका मतलब फोर्स का फॉर्मूला हमारे पास आ गया, फिर से बोल रहा हूं, ठीक है, लॉजिक समझ लो, डायरेक्ट फॉर्मूला आपको हमेशा याद होना चाहिए, क्या फॉर्मूला हमारे सामने आ गया, एफ इक्वल्स टू बी आई एल, और वेक्टर फॉर्म में कहूं तो एफ इक्वल्स टू आई एल क्रॉस बी, ठीक है, ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ठीक है, एफ इक्वल्स टू आई एल क्रॉस बी, ठीक। अब यही लॉजिक यूज करके ये जो फोर्स का हमने फॉर्मूला डिराइव किया, इसको हम यूज करके निकालेंगे द फोर्स विच एक्ट्स बिटवीन टू पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टर्स। अगर आपके पास ये दो वायर्स हैं जिनमें की कुछ करंट है, ठीक है, सुनिए ध्यान से, एक में करंट आई वन, एक में करंट आई टू, ठीक है, तो इनके बीच में कितना फोर्स लगेगा, लगेगा भी या नहीं, बिल्कुल लगेगा, क्यों, क्योंकि अगर इसके पास करंट है तो इसके कारण मैग्नेटिक फील्ड होगी इस वायर पे, बिल्कुल वही लॉजिक कि दो चार्जेस जा रहे हैं, है ना, सुना ना भी आपने थोड़ी देर पहले, तो अगर इसके पास करंट है तो इसके कारण वहां पे मैग्नेटिक फील्ड है और उसके कारण भी यहां पे मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है, तो एक की चर्चा करते हैं, लेट्स से द फोर्स ऑन सेकेंड वायर ड्यू टू द फर्स्ट वन, फोर्स ऑन सेकेंड वायर ड्यू टू द फर्स्ट वन, फॉर्मूला क्या यूज करने वाले हम लोग, फॉर्मूला हम यूज करेंगे एफ इक्वल्स टू आई एल क्रॉस बी, आई मतलब इसका करंट, क्यों, क्योंकि उस पर निकाल रहे हैं ना हम, तो यहां पे जाके बैठ गए, ठीक है, इसको पकड़ के लटक जाओ यहां पे, आप तो इसकी चर्चा कर रहे हो भाई, आप इस वायर की चर्चा कर रहे हो, आप इस पर लटके हुए हो, ठीक है, इसके कारण वहां पे मैग्नेटिक फील्ड कहां है, यहां अंदर है, कोई चिंता वाली बात नहीं है, तो एफ टू इस पे फोर्स इसके कारण क्या बन जाएगा, आई, आई यानी आई टू इंटू एल, उसकी लेंथ ले लो, एल वन एल टू अलग अलग भी हो सकते हैं, सेम भी हो सकते हैं, सेम ले लो यार, अभी थोड़ी देर के लिए सेम लेके चलो, अलग अलग भी ले सकते हो, कोई चिंता वाली बात नहीं, एनसीईआरटी में देके रखा है, ठीक है, एल क्रॉस बी, अब एल और बी के बीच में एंगल 90 है तो वो साइन 91 बन जाएगा डायरेक्टली, बी, बी कितना होगा, बी कितना होगा, हाउ मच विल बी बी, हाउ मच विल बी बी, लेट्स से इसके बीच का जो सेपरेशन है ये है कुछ एक्स, ठीक है, तो बायट सावर्ट लॉ क्या कहता है, मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला होता है म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाय, बताओ जरा क्या होता है इस इनफाइनाइट वायर का फॉर्मूला, म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाय 2 पाई एक्स, म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाय 2 पाई एक्स, चलो ठीक है, बड़ी अच्छी बात है ना, तो ये क्या बन गया बेटा, ये बन गया आई एल क्रॉस बी, बी की वैल्यू रखिए, बी की वैल्यू रखिए म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाय 2 पाई एक्स, ये आई कौन सा है, ये आई वन है, ये आई वन, ठीक है, क्या बातें कर रहे हैं हम लोग एक बहुत ही लंबे वायर के कारण एक दूसरे वायर पे निकाल रहे हैं फोर्स की वैल्यू, कितनी आ गई, वो कितनी आ गई, ये कुछ इस तरह से फॉर्मूला आ गया म्यू नॉट अपॉन 2 पाई एक्स आई वन आई टू इंटू एल, ठीक है, सेम चीज अगर मैं रिवर्स करना चाहूं कि इसको कर दूं इनफाइनाइट, इसकी कुछ एल लेंथ ले लूं तो उस पर कितना क्या फोर्स लगेगा, इतना ही लगेगा अपोजिट डायरेक्शन में, सर आपने डायरेक्शन की तो बात ही नहीं कर रहे, तो कर लो ना, एल क्रॉस बी कहां लग रहा है ये फोर्स, कहां लग रहा है ये फोर्स, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ फोर्स,
कोई भी दिक्कत हो तो बोलो, इसको डब्बे में डाल देते हैं, काम की चीजें सारी डब्बे में डाल देते हैं। ये आ गया हमारे पास बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, ठीक है। चर्चा क्लियर। क्या निकाल सकते हैं हम, कंक्लूजन ये निकाल सकते हैं कि न्यूटन्स थर्ड लॉ के अनुसार जितना फोर्स इस बॉडी पे ये बॉडी लगा रही है उतना ही वो बॉडी भी इस पे लगाएगी। मतलब अगर अगर करंट जो है वो इन वायर्स में पैरेलल वायर्स में इस तरह से करंट है, पैरेलल करंट है तो वायर्स अट्रैक्ट होंगे, ठीक है। करंट अगर इस तरह से है आई वन आई टू तो ये अट्रैक्ट होंगे, और अगर एंटी पैरेलल करंट है, एंटी पैरेलल करंट है तो रिपेल होंगे। अब इसके बेसिस पे जी डबल एडवांस का एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है जो कि कई बार एग्जाम्स में पूछा जा चुका है, ठीक है। एक बार सब्जेक्टिव, एक बार मैट्रिक्स मैच में उसको पूछा गया था। वो क्या था? वो था स्प्रिंग का कॉन्सेप्ट, ठीक है। जैसे मान लीजिए ये स्प्रिंग है, ये स्प्रिंग में करंट जा रहा है, इस स्प्रिंग में करंट घूम रहा है कुछ ऐसे, ऐसे ही गया, इधर आया, फिर इधर गया, फिर इधर आया, यू यू ऐसे 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 करंट जा रहा है, ठीक है, आई करंट, ओके। तो इमेजिन कीजिए कि स्प्रिंग है, आपको हर कॉइल में करंट दिख कैसा रहा है, इमेजिन करो ये स्प्रिंग है, कैसा दिख रहा है आपको, ऐसे घूम रहा है करंट, मतलब क्लॉकवाइज, ठीक है ना, ये ऐसे घूमते 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 करंट आगे बढ़ रहा है। मतलब दो लेयर्स के बीच में जो करंट है वो सेम सेंस में है, क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज या तो एंटी क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। मतलब ये जो दोनों लेयर्स हैं ये क्या करेंगे, अट्रैक्ट या रिपेल, ये अट्रैक्ट करेंगी, ये अट्रैक्ट करेंगी, और जो स्प्रिंग है वो कंप्रेस हो जाएगी। इसके बेसिस पे काफी अच्छे सवाल बनते हैं। एक और जो पैटर्न है एग्जाम का वो कुछ ऐसा है कि यदि हम लोग एक वायर इस तरह से ले लें, सुनना है ना, ये इनफाइनाइट वायर है, इसमें करंट लेट्स से इस डायरेक्शन में है आई, और दूसरा करंट जो है दूसरे वायर में आई डैश, वो हम लोगों ने अपोजिट डायरेक्शन में ले लिया। तो कई बार क्या है कि आप ऊपर वाले को बैलेंस कर सकते हो, कैसे कर दोगे, क्योंकि इसके कारण ये देखो एल, ये इसके कारण मैग्नेटिक फील्ड ऐसी बनेगी, है ना, तो जो फोर्स इस पे लगेगा अपोजिट डायरेक्शन में होगा, रिपेल करेगा, ठीक है। मैग्नेटिक फोर्स जो इस पे लग रहा है, इस वायर के कारण इस पे जो फोर्स लग रहा है वो ऊपर है और नीचे कौन है, mg, सो देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि एक सर्टेन लेंथ पे आप इस वायर को हवा में बैलेंस कर पाओ। है इंटरेस्टिंग बात, बनते हैं ऐसे क्वेश्चंस, कोई बड़ी बात इसमें नहीं है, फॉर्मूले आपने सीख लिए, इस फोर्स को आप बैलेंस कर देंगे mg से, इतनी सी बात है। अब मुझे एक डेरिवेशन और बताना है, ठीक है, क्विकली बता देता हूं, इसी को इरेज करके बता देते हैं, ये समझ लिया आपने, है ना, स्क्रीनशॉट ले लो, इरेज करके यहीं पे मैं बताता हूं कि अगर ये वायर जो है पैरेलल रखने के बदले कुछ इस तरह से प्लेस कर दिया जाए, देखिए किस तरह से, कि एक वायर तो यहां है और दूसरा आपने इस तरह से एक एलिमेंट रख दिया, समझ रहे हैं, ये रहा एक वायर, ठीक है, इसमें करंट है आई और इसमें करंट है कुछ आई डैश, ठीक है, तो क्या होगा, तो आप क्या करेंगे, तो आपको डीएल लेंथ लेनी पड़ेगी, ठीक है, एक डीएल लेंथ लेनी पड़ेगी, है ना, और इस पे फोर्स की डायरेक्शन बतानी पड़ेगी, पहले तो कहां लगेगा, एल क्रॉस बी कीजिए, ये डीएल है, डीएल की लेंथ का है, डीएल की लेंथ यहां पे, ठीक है, इस वायर के कारण मैग्नेटिक फील्ड कहां होगी, इस साइड तो अंदर होगी और इस साइड बाहर होगी, हमको यहां की चर्चा करनी है सिर्फ, थ्रू आउट बी अंदर है, तो डीएल क्रॉस बी अगर आप करेंगे तो फोर्स कहां लगेगा, फोर्स ऊपर लगेगा, चलो इतनी बात तो समझ में आई कि ये होगी वैल्यू फोर्स की, जो इसके कारण लग रहा है उसको डीएफ कह देते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। लेकिन तो इसमें सर अलग क्या है बेटा, इसमें अलग ये है कि यहां से लेके यहां तक जाने में मैग्नेटिक फील्ड खुद वेरी कर रही होगी, क्यों, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड का एक्सप्रेशन आप क्या लिखते हैं, म्यू नॉट आई बाय टू पाई आर, तो हम लोग इसको कैसे करेंगे, एक जनरल लेंथ पे एक्स एलिमेंट ले लेंगे और उसको इंटीग्रेट कर देंगे, कहां से कहां तक इंटीग्रेट कर देंगे, लेट्स से दिस लेंथ इज एल, ठीक है, एल से लेके टोटल लेंथ कितनी हो गई, या तो आर से लेके आर प्लस एल, इसकी लेंथ एल मान लो, ठीक है, आर से लेके कितनी लेंथ हो गई है, आर प्लस एल, ठीक है, कैसे करेंगे, इंटीग्रेट कर देते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, इसको इन सबको मैं डॉटेड कर देता हूं, ठीक है, ताकि आप कंफ्यूज ना हो कि एलिमेंट कहां है, लेंथ कहां है, ठीक है, ये सारी लेंथ और ये जो बीच में दिख रहा है इसको थोड़ा और डार्क कर देते हैं, ये इसको डार्क कर दिया, ठीक है, ये रहा आपका एलिमेंट, ये रहा आपका वायर जिस पर आप चर्चा कर रहे हैं, चलिए ठीक है, बड़ी अच्छी बात है। क्या एक्सप्रेशन लिखेंगे आप इस जनरल छोटे से लेंथ के लिए, ठीक है, इस पर जो फोर्स लग रहा है डीएफ वो क्या बन जाएगा, बोलो जरा, म्यू नॉट आई वन, ठीक है, इसका करंट आई टू ले लो, आई वन आई टू भी ले सकते हो, आई आई डैश भी ले सकते हो, आई वन आई टू ले लो, ठीक है, आई वन आई टू जो अपन ने सीखा है वही लिखते हैं, म्यू वन म्यू नॉट अपॉन टू पाई
म्यू नॉट अपॉन टू पाई एक्स, ठीक है, आई वन आई टू है ना, एल कितना है, एल है डीएल या तो डीएक्स, कुछ भी लिख सकते हो आप जो आपको अच्छा लगे, डीएक्स डिवाइडेड बाय एक्स, इसको इंटीग्रेट कर दो, एल एन एक्स बनेगा, एल एन एक्स बनेगा इसका इंटीग्रेशन, और लिमिट्स रख दो r से लेकर r प्लस l, इतना करके मुझको रिजल्ट बताना कमेंट सेक्शन में, ठीक है, सिंपल रिजल्ट है इसलिए आपके लिए छोड़ रहा हूं। एल एन एक्स बनेगा अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट लॉग ए माइनस लॉग बी लॉग ए बाय बी, ठीक है, एल एन के टर्म्स में आंसर आएगा। ये था हमारा डिस्कशन मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म पे, हमने पीछे की सारी चीजें डिस्कस की, हम लोगों ने सोलेनोइड डिस्कस किया, एम्पियर सर्किट लॉ डिस्कस किया, बायट सावर्ट लॉ डिस्कस किया, अब इस पे प्रीवियस ईयर के जेडब्ल्यू मेंस एडवांस नीट एम्स जो जो अच्छे क्वेश्चंस बने हैं, और भी मेरे पास जो मॉड्यूल्स हैं उनमें जो बेहतरीन क्वेश्चंस हैं वो मैं अगले सेशन में करवाऊंगा, ठीक है, और एक ही सेशन में पूरा श्योर शॉट करवाऊंगा, चाहे एक घंटा लगे, दो घंटा लगे, तीन घंटा लगे, ठीक है, तो तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, थैंक यू एंड सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर, बाय बाय, जय हिंद।